गुरुवाणी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9, जिस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट लघुगणक यानी कि लॉगरिथम। सबसे पहले डियर स्टूडेंट लघुगणक के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने वाले, उसके बाद से डियर स्टूडेंट लघुगणक पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले लघुगणक के बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप ध्यान से समझिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना डियर स्टूडेंट, जिससे हमारे अपकमिंग आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको लघुगणक के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप पूरी क्लास अच्छी तरीके से देख लेते हो तो इस क्लास के माध्यम से यानी कि लघुगणक चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में, चाहे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या IERT एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, दोनों ही एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर सेट को उठा करके देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से तसल्ली के साथ प्रत्येक कॉन्सेप्ट को और प्रत्येक क्वेश्चन को देखते जाइएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन ना हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लघुगणक। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास। सबसे पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर कराऊंगा, उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट, यदि आप किसी भी चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो उस चैप्टर से रिलेटेड कहीं से भी किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप 100% एक्यूरेसी के साथ कम से कम समय के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, हम बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट होता है डियर स्टूडेंट, यदि आपका साधारण भाषा में समझो, यदि आपका दिया रहे कि 1 पावर x बराबर आपका b हो, 1 पावर x बराबर आपका b दे रखा हो, इसको आपको लघुगणक के रूप में लिखना हो तो कैसे क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेने पर आपका क्या होगा, लॉग 1 पावर x बराबर लॉग b। कहने का मतलब ये है कि यदि आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई वैल्यू हो उसके लघुगणक के रूप में लिखना हो तो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में लॉग ले लिया। अब देखिएगा, लघुगणक का रूल है कि लॉग m पे पावर n यदि होता है, लॉग m पे पावर n होता है तो इसको हम n लॉग m के रूप में लिखते हैं, यानी x लॉग a बराबर आपका हो जाएगा लॉग। यहां तक आपको क्लियर है? यदि मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मिलेगा, मिलेगा आपको log b बटे का log t। ठीक है, यहां से x बराबर क्या मिलेगा, log b बटे log a को हम क्या लिख सकते हैं, log b बटे log a को हम लिख सकते हैं log b बेस a के रूप में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लघुगणक के रूप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसको मैंने डिटेल में बताया, log b बटे log a। इसमें होता क्या है, जो आपका a होता है आधार वाली वैल्यू बन जाती है और जो b होता है वो तो log वाली वैल्यू हो जाती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लघुगणक के फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं। अब डियर स्टूडेंट, लघुगणक के कुछ नियम मैं बताता हूँ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप समझिएगा। पहला का रूल ये होता है कि log m into n और बेस में a हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। पहला रूल आपका ये है डियर स्टूडेंट, यदि आपका log m into का n हो
आप बेस में ए हो, यदि आपका लाल एम इंटू एन हो और बेस में ए हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो? यदि आपका लाल एम इंटू एन और बेस में ए हो तो इसको हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट लॉग एम बेस ए प्लस का लॉग एन बेस ए के रूप में। यानी कि यदि कोई वैल्यू लॉग एम इंटू एन के रूप में हो तो इसको हम लॉग एम प्लस लॉग एन के रूप में लिख सकते हैं। वहीं पर डियर स्टूडेंट यदि आपकी कोई भी वैल्यू लॉग एम बट्टे का एन के रूप में हो, एम बट्टे का एन के रूप में हो और बेस में ए हो तो क्या लिख सकते हो? यदि कोई वैल्यू लॉग एम बट्टे एन और बेस में ए के रूप में हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम बेस ए माइनस का लॉग एम बेस ए के रूप में। कहने का मतलब ये है यदि गुणे के रूप में हो तो ए प्लस के रूप में बन जाता है, यदि आपका भाग के रूप में है तो माइनस के रूप में बन जाता है। नेक्स्ट कांसेप्ट आप ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, यदि आपका इस तरीके से दे रखा हो कि लॉग एम पे पावर एन हो और बेस में ए हो, लॉग एम पे पावर एन हो और बेस में ए हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम बेस ए के रूप में। यानी कि जो आपकी पावर वाली वैल्यू होती है वो आगे चली जाती है और लॉग एम बेस ए। नेक्स्ट कांसेप्ट हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा कांसेप्ट नंबर 4। यदि आपका दे रखा हो कि लॉग बी और बेस में ए हो, लॉग बी और बेस में ए हो तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? तो इसको हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट किस तरीके से, देखो इसको हम लिख सकते हैं एक बट्टे लॉग ए बेस बी। यानी कि हम इसी वैल्यू को, यदि लॉग वाली वैल्यू और आधार वाली वैल्यू को हम चेंज करना चाहें तो बट्टे में चला जाता है। यदि हम लॉग बी बेस ए को लॉग वाली वैल्यू और बेस वाली वैल्यू, लॉग वाली वैल्यू क्या है? बी है और बेस वाली वैल्यू ए है, इसको यदि मैं इंटरचेंज करना चाहूं, बदलना चाहूं तो वो आपका बट्टे में चला जाएगा लॉग ए बेस बी के रूप में। ये आप कांसेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कांसेप्ट नंबर 5 है आपका डियर स्टूडेंट, यदि आपको कोई वैल्यू दे रखी हो कि लॉग एम बेस ए हो, लॉग एम बेस ए हो तो क्या लिख सकते हो? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट लॉग एम बेस बी गुणे लॉग बी बेस ए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट, यदि आप इन दोनों वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः आपको यही मिल जाएगा। तो इस तरीके से लॉग एम बेस ए को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग एम बेस बी गुणे लॉग बी बेस ए के रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर है? इसको इस तरीके से आप नोट कर सकते हो, क्या है लॉग एम बेस बी, तो लॉग एम बेस बी बट्टे, इस वाली वैल्यू को यदि हमको बट्टे में ले जाना है तो क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू को यदि हमको बट्टे में ले जाना है तो क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू को भाग के रूप में ले जाने के लिए डियर स्टूडेंट लॉग और आधार वाली वैल्यू चेंज कर देना होगा। तो आपको मिल जाएगा लॉग ए बेस बी के रूप में। यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। कांसेप्ट नंबर 6 देखो डियर स्टूडेंट, यदि आपको इस तरीके से दिया हो कि लॉग ए पे पावर एन और बी पे पावर एम, लॉग बी पे पावर एम और बेस में ए पे पावर एम, लॉग बी पे पावर एम और बेस में ए पे पावर एम हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एम बट्टे एन लॉग बी बेस ए के रूप में। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कांसेप्ट आपका है डियर स्टूडेंट, यदि आपसे पूछ लिया जाए लॉग जीरो की वैल्यू क्या होती है तो लॉग जीरो की वैल्यू हमेशा और हमेशा एक होती है, और कांसेप्ट नंबर 8 भी देख लो और लॉग वन की वैल्यू आपका जीरो होती है। तो बस यही आपका 7 से 8 कांसेप्ट है, अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेते हो तो लगभग से 2 क्वेश्चन आपका 100% क्लियर हो जाएगा।
यानी कि लगभग आपको दो क्वेश्चन देकर जाने वाला है। यदि हम नंबर की बात करें तो टोटल 8 नंबर आपको फ्री में मिलने वाले हैं। यदि आप 8 कांसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझ जाते हो, बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेते हो, तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन यानी 8 नंबर पक्का होने वाले हैं। अब हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए डियर स्टूडेंट कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको बेसिक कांसेप्ट अच्छी तरीके से पता होगा तो मैक्सिमम डियर स्टूडेंट 10 से 15 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, लॉग 0.501 और बेस में 10 है, इसकी वैल्यू बताओ। पहला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि लॉग 0.00000501 और बेस में आपका 10 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट लॉग बेस 10 0.501 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10^-6 के गुण में। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है, क्योंकि 6 अंकों पर आपका दशमलव है, इसको मैंने 10^-6 लिख दिया। अब देखो यह जो वैल्यू है लॉग एम पे पावर एन के रूप में हो गई, लॉग एम पे पावर एन के रूप में हो गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन लॉग एम के रूप में, यानी कि -6 लॉग 10 और बेस 10 के रूप में। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट, यदि नहीं पता है तो भी जान लीजिए, यदि लॉग वाली वैल्यू और बेस वाली वैल्यू समान हो, यदि लॉग वाली वैल्यू और बेस वाली वैल्यू समान हो तो उसका मान 1 होता है, तो फाइनली आपको मिल जाएगा -6 आंसर। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, यदि आपका इस तरीके से दे रखा हो कि लॉग ए बेस ए तो इसका भी मान 1 होगा, यानी लॉग वाली वैल्यू और बेस वाली वैल्यू समान हो तो उसका मान 1 होता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखना, अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझिए, सारी चीजें बिल्कुल सिंपल मैं बताने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि लॉग लॉग 256 और बेस में 2 बराबर आपका एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आप हमें बता दो। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि लॉग 256 बेस में 2 बराबर एक्स है, तो एक्स की वैल्यू बता दो। ठीक है, तो इसको लघुगणक के नियम से सॉल्व करने पर क्या होता है, जो बेस वाली वैल्यू होती है वो आपका राइट साइड चली जाती है, यानी किस तरीके से जाती है, यदि मैं लॉग 256 बेस 2 बराबर एक्स है, इसको मैं लघुगणक के नियम से इसको मैं घातांक के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, आपका हो जाएगा 256 बराबर 2 रेज टू द पावर x। यदि मैं लघुगणक वाली वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं तो होगा क्या, 2 का पावर आपका x हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका 256 है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब देखो 256 को आप क्या लिख सकते हो, 256 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 8 के रूप में, क्योंकि आपका हो जाएगा 2 का पावर 8 बराबर 2 का पावर 8। अब जो भी स्टूडेंट घातांक और कर्णी अच्छी तरीके से पढ़े होंगे वो बता देंगे x की वैल्यू क्या होगी। मैंने क्या बताया था कि यदि आपके आधार समान है तो घातों की तुलना कर सकते हैं, तो आधार समान है तो घातों की तुलना करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8।
यानी कि क्वेश्चन नंबर टू का डी यदि स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर टू का डी यदि स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए है डी यदि स्टूडेंट कि 2^81 में अंकों की संख्या बताओ, आपको 2^81 में अंकों की संख्या बताना है जबकि लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 दे रखा है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना, आपको बताना है 2^81 में अंकों की संख्या क्या, 2^81 में आपको अंकों की संख्या बताना है जबकि लॉग 2 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, लॉग 2 की वैल्यू आपको दे रखा है 0.3010, ठीक है। तो आपको 2^81 में अंकों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, 2^81 को लघुगणक के रूप में लिख लो। तो 2^81 को लघुगणक के रूप में लिखो तो क्या होगा, लॉग 2^81, ठीक है, लॉग 2^81, यहां तक आपको क्लियर है। अब देखना मेरे दोस्त, अब देखना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसका बेस 10 दिया है तो हम भी क्या करते हैं, बेस 10 बना लेते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट, यदि किसी भी लघुगणक का आधार ना दिया हो, बेस ना दिया हो, तो उसको हम 10 मानकर चलते हैं। यदि किसी भी लघुगणक का आधार की वैल्यू ना दिया हो तो उसको हम 10 मानकर चलते हैं। अब देखो लॉग m की पावर n के रूप में हो गया, लॉग m की पावर n के रूप में हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं n log m के रूप में, log m पर पावर n को मैंने n log m के रूप में लिख दिया, और 81 गुणे log 2 की वैल्यू आपका है 0.3010। अब गुणा करा लो, 81 का गुणा 0 में 0 होगा, 81 का गुणा 1 में तो 1 हो जाएगा, 8 हासिल बचेगा तो 8 लिख लो, और 81 किया कितना होता है 243। कितने अंक पे दशमलव लगा है, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 अंक पर मैंने भी दशमलव चिपका दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूर्णांक कितने मिल रहे हैं, 4, 24, यानी अंकों की संख्या कितनी मिल रही है, 24, लेकिन हमको इससे एक ज्यादा लेना है तो हमारा पूर्णांक बनेगा 24.38 है ना, इससे आप एक ज्यादा ले लोगे तो आपका पूर्णांक में वो संख्या आ जाएगी, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका, हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे 24.38 है ना, तो इसमें प्लस का 1 कर दो, तो 24 में प्लस 1 कर दोगे तो 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का डी इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को हम कवर कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बोला है यदि लॉग 2 बराबर 0.3010 हो तो लॉग 200 का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस प्रकार से बताना है, यदि आपका लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 2 बेस 10 ले लो, क्योंकि बेस में कुछ नहीं दिया है तो हम 10 मान लेते हैं, बराबर आपका है 0.3010 है, तो आपको बताना है लॉग 200 की वैल्यू क्या होगी, क्या बताना है, लॉग 200 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले डियर स्टूडेंट लॉग 200 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 200 को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट लॉग 2/10 का स्क्वायर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लॉग 200 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 2/10 का स्क्वायर के रूप में, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 और 100 का गुणा 2 में करोगे तो 200। अब यह जो वैल्यू है लॉग m * n के रूप में हो गई, अब जो यह वैल्यू है लॉग m * n के रूप में हो गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m * n को हम लिख सकते हैं log m + n, यानी कि log 2/10 + का log
टेन का स्क्वायर और बेस में टेन, टेन का स्क्वायर और बेस में टेन, ठीक है। अब देखो लॉग टू की वैल्यू आपका 0.3010 हो गया। यहाँ पर लॉग एम पे पावर एन है, लॉग एम पे पावर एन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन लॉग एम के रूप में, यानी कि टू लॉग टेन बेस टेन के रूप में। अब देखना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका 0.3010 हो गया प्लस का, तो लॉग वाली वैल्यू और बेस वाली वैल्यू समान है, तो इसका मान तो एक हो जाएगा, यानी यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, केवल और केवल दो, क्योंकि लॉग वाली वैल्यू बेस वाली वैल्यू सेम है, तो यहाँ से केवल दो मिलेगा। अब दोनों को जोड़ दो तो मिलेगा आपको 2.3010, यही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देख सकते हो डियर स्टूडेंट, यदि आपको बेसिक कांसेप्ट अच्छी तरीके से पता है तो ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हो यदि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करके जाते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। देखते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को भी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है। बोला है लॉग 729 बराबर 6 का घातांकी रूट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है, लॉग 729 और बेस में 3 बराबर 6, इसका घातांकी रूट क्या होगा। तो लघुगणकीय रूप से घातांकी रूप में चेंज करने पर क्या होता है, जो आपका 3 होता है राइट साइड हो जाता है, यानी कि 3 पे पावर 6 बराबर आपका हो जाएगा 729। कितना कठिन क्वेश्चन है बताओ, लघुगणकीय रूप को डायरेक्ट घातांकी रूप में चेंज कर दिया, बस मिल गया 4 नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से देखो, बोला है 3 log x बेस 8 बराबर 2 हो, 3 log x और बेस 8 बराबर यदि आपका 2 हो, तो x की वैल्यू बता दो क्या होगा, x की वैल्यू बता दो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये आपका log x बेस 8, 3 को मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो आपको मिल जाएगा 2/3। अब देखो लघुगणकीय रूप को घातांकी रूप में कैसे लिखोगे, x बराबर आपको हो जाएगा 8 पे पावर 2/3। अब देखना डियर स्टूडेंट, x बराबर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 के रूप में, अब ऑलरेडी आपका 2/3 है ही, तो 2/3 से 3 को 4 में, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बिल्कुल सिंपल और आसान सा ए बी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि लॉग बी बेस ए, लॉग बी बेस ए गुणे लॉग बी बेस ए गुणे लॉग सी बेस बी गुणे लॉग ए बेस सी का मान बताओ, ए बेस सी का आप मान हमको बता दो, ठीक है। तो ध्यान से समझना, लॉग बी बेस ए को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बी बेस ए को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट लॉग बी बटे का लॉग की रूट, ठीक है, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो दोनों आपको यही मिल जाएगा। उसी प्रकार से लॉग सी बेस बी को आप क्या लिख सकते हो, लॉग सी बेस बी को आप लिख सकते हो लॉग सी बटे का लॉग बी के रूप में।
लॉग ए बेस सी को आप क्या लिख सकते हो, लॉग ए बेस सी को आप लिख सकते हो लॉग ए बटे का लॉग सी के रूप में, लॉग सी से लॉग सी, लॉग बी से लॉग बी, लॉग ए से लॉग ए, तो फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा ए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।